दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसी फ्रेंड वगैरह को या अपने किसी रिलेटिव को मेंशन करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। स्टोरी में मेंशन करने का एक फायदा होता है दोस्तों कि जो भी फोटो आपने अपनी स्टोरी में शेयर किया है तो जिसे आप मेंशन करेंगे वो भी सेम उसी फोटो या वीडियो का, यानी कि आपकी स्टोरी को उसकी अपनी स्टोरी पे शेयर कर पाएगा। इसका फायदा होता है दोस्तों, सपोज कीजिए आप कोई फ्रेंड वगैरह आप कहीं घूमने वगैरह गए या आपके कोई रिलेटिव के यहाँ पर आप गए, वहां पे कोई अच्छा सा फोटो आपने क्लिक किया, वापस आ गए और वापस आने के बाद आपने उस फोटो को या उस वीडियो को अपनी स्टोरी में शेयर किया तो आप अपने उस रिलेटिव के साथ भी उसको मेंशन कर सकते हैं। अब मेंशन करने से क्या होगा कि वो भी उस फोटो या वीडियो को अपनी स्टोरी में शेयर कर पाएगा, तो ये तो फायदा होता है मेंशन करने का। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी भी पर्सन को अगर मेंशन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। अब मेंशन के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तो आप जब स्टोरी पब्लिश करते हैं उसके पहले, यानी कि पब्लिश करने से पहले ही आप अगर किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। आप जल्दबाजी में स्टोरी पोस्ट कर चुके हैं और आप मेंशन करना भूल गए तो स्टोरी पब्लिश होने के बाद आप उस पर मेंशन किस तरह से करेंगे, इसका भी प्रोसेस आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं किस तरह से हम इंस्टाग्राम स्टोरी पे किसी को भी मेंशन कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी को मेंशन करने के लिए, जैसे कि चलिए सबसे पहले तो मैं अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। आपको भी अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे होम पे ही रहना है। होम पे रहने के बाद ऊपर की साइड आपको जो स्टोरी का ऑप्शन मिलता है योर स्टोरी, इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको वो फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आप अपनी स्टोरी में शेयर करना चाहते हैं और उस पर किसी को मेंशन करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक फोटो आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि चलिए सपोज कीजिए ये एक फोटो है, मैं इसको अपनी स्टोरी में शेयर करना चाहता हूँ और इसमें अपने किसी फ्रेंड वगैरह को या किसी रिलेटिव को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है, फोटो आपका ऐप अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर की साइड आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर आपको एक स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, आपको स्टिकर पर टैप करना है। यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, आप अपना फोटो वगैरह और ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं, अवतार वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, म्यूजिक, पोल वगैरह, लिंक वगैरह, कुछ भी आप इस फोटो पे ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे किसी को मेंशन करना है तो मेंशन के लिए आपको यहाँ पे ऐड द रेट मेंशन का ऑप्शन मिलता है ऊपर, आप देखिए सेकंड नंबर पे, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है तो आपका सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उस इंस्टाग्राम यूजर का, यानी कि अपने फ्रेंड या रिलेटिव जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं उसकी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं एट द रेट ये कैसे, ये मेरा फ्रेंड की आईडी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसका यूजर नेम यहाँ पे एंटर कर दिया एट द रेट ये कैसे, तो नीचे सारी आईडी आपको देखने को मिल रही है, इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद भी जो मेंशन आपने किया इससे आप अपने फोटो पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो नीचे इस तरह से ले जाके आप हाइड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कर देना आपको अपनी स्टोरी को पब्लिश। जैसे आप अपनी स्टोरी को ऐसे पब्लिश कर देंगे इंस्टेंटली आपकी स्टोरी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी और सामने वाले पर्सन को मेंशन हो जाएगा और उसके बाद वो भी अगर इस स्टोरी को अपनी स्टोरी पे शेयर करना चाहता है इस फोटो को तो आसानी से कर पाएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको मैसेंजर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू मेंशन ये कैसे इन योर स्टोरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो तरीका होगा कि स्टोरी लगाते टाइम आप किसी को मेंशन किस तरह से करेंगे। अब सपोज कीजिए आपने फोटो पब्लिश कर दिया, यानी कि अपनी स्टोरी आपने पब्लिश कर दी और आप मेंशन करना भूल गए, बाद में किस तरह से करना वो मैं आपको बता देता हूं। तो फिर से आपको स्टोरी पे जाना है, नीचे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं क्रिएट, फेसबुक, सेंड और मोर, तो आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए बॉटम की साइड आइए, यहाँ पे बॉटम से तीसरे नंबर पर, यानी कि नीचे से तीसरे नंबर पर आपको एड मेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको वापस से अपना यूजर नेम टाइप करना है जिसे आप मेंशन करना चाहते हैं, इस तरह से आपको उसका यूजर नेम यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद में आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जिसे आप उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने किसी फ्रेंड वगैरह को या फिर अपने किसी रिलेटिव को मेंशन करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।